हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। जेपीएससी ने जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 05/2020 जो एडवर्टाइजमेंट हमारा था सिविल और मैकेनिकल का, उसका जो मेंस का रिजल्ट जेपीएससी ने जारी कर दिया है और साथ ही उन्होंने इंटरव्यू का शेड्यूल भी रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो इंटरव्यू के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपके पास बहुत कम समय है इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज का ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है कि आपको किस तरह से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आपके इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क आप स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहली बात यह है कि आपको जो जो भी सब्जेक्ट है आपके सिविल और मैकेनिकल में, उसका आपको बेसिक्स नॉलेज सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए और स्पेशली कुछ सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए ताकि उसके जो है कुछ डीप में भी नॉलेज हो, ताकि जो इंटरव्यू में आपसे अगर कुछ सब्जेक्ट का नाम पूछा जाए तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज हो आपके पास, उस सब्जेक्ट का आप वहाँ पे नाम ले सकें। ठीक है, तो इसी को लेकर के गेट मास्टर ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम गेट मास्टर ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले मेंस रिजल्ट की बात करें तो मेंस रिजल्ट के अंदर जो है हमने मेंस एग्जाम से पहले मेंस का जो है मेंस एग्जाम का हमने मॉक टेस्ट भी रिलीज किया था। मॉक टेस्ट बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया था। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि टोटल सिविल इंजीनियरिंग में 542 वैकेंसीज है, जिसके अपोजिट में यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ है 1054 कैंडिडेट का हुआ है। ठीक है, और मैकेनिकल में 95 वैकेंसीज के अगेंस्ट 225 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे हमने जो मेंस के लिए मॉक टेस्ट रिलीज किया था उसमें हमारे हमारा जो सक्सेस रेट है वो 70-80% है, यानी कि लगभग अगर सिविल में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये लगभग 85% के आसपास है। ठीक है, और बाकी मैकेनिकल की बात करें तो ये आपका 70% के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो है। तो आप जो है ये सिलेक्शन रेशियो है हमारा, और इसी के बिहाफ पे मैक्सिमम स्टूडेंट से हमने कांटेक्ट किया था, और कांटेक्ट करने के बाद सबने जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में भी मतलब बोला कि आप इंटरव्यू के लिए भी कुछ हमारे लिए कीजिए। ठीक है, इसीलिए गेट मास्टर ने आपके लिए जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है कि उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, कौन से सब्जेक्ट जो है आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे जो इंटरव्यू में पैनल मेंबर होते हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से सब्जेक्ट से। ठीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट पे खास ध्यान देना है, आपके जो अभी के प्रोफेशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू में हेल्प मिले। तो हर तरह के जो यहाँ पे आपके क्वेरीज हैं सबके आंसर आपको दिए जाएंगे और सब कुछ आपको एक एक तरह का गाइडेंस आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और आपके मन में भी कोई अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन ये मॉक इंटरव्यू है ये ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर ही। ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एक फुल पैकेज है जिसके अंदर आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा प्लस पर्सनल जो गाइडेंस है वो भी मिलेगा, और साथ में कुछ क्वेरीज जो है आपके वो भी आपके सॉल्व किए जाएंगे, और कुछ वीडियोज जैसे आपके क्वेरीज के रिगार्डिंग कुछ वीडियोज रहेंगे, और कुछ स्पेशल अगर क्वेरीज होगा कुछ तो हम लोग एक लाइव सेशन भी रख देंगे जिसमें आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन हम लोग नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, थोड़ा सा इशूज है इसीलिए। तो ये मॉक इंटरव्यू जो है ऑनलाइन मोड में होगा और सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग मैकेनिकल के लिए करेंगे क्योंकि मैकेनिकल का जो इंटरव्यू है बस एक सप्ताह भी नहीं अब बचा हुआ है, एक सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग जो है अगर मैकेनिकल के हैं तो जल्दी से आप इंटरव्यू के बारे में आप हमसे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका इंटरव्यू जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जा सके। ठीक है, चलिए, तो जहाँ तक मॉक इंटरव्यू के फीचर की बात करें तो मॉक इंटरव्यू में जो पैनल मेंबर रहेंगे वो जो प्रोफेसर्स हैं वो रहेंगे, और असिस्टेंट इंजीनियर्स भी रहेंगे, और कुछ एक अदर मीन्स क्या वैसे एक्सपर्ट रहेंगे जो आपके मॉडल बिहेवियर और कुछ पर्सनालिटी, किस तरह के आपके आई कांटेक्ट हैं, मतलब हर तरह के जो नॉर्मल बिहेवियर हैं आपके वो आपको वो नोटिस करेंगे और उस पर जो भी सजेशन आपको देना होगा वो आपको देंगे। ठीक है, जनरल गाइडेंस के लिए आपको कुछ लाइव सेशन भी रखा जा सकता है या फिर रिकॉर्डेड सेशन भी आपको दिया जा सकता है। सब कुछ आपको गेट मास्टर का मोबाइल ऐप जो रहेगा उसके अंदर आपको जो बैच जिस बैच में आपको ऐड किया जाएगा इनरोलमेंट के बाद उस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा।
ठीक है, अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज रहेंगे या फिर कुछ डॉट है आपके, तो वो आपके इंस्टेंटली सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, वो आप जो है मॉक इंटरव्यू जब होगा तो मॉक इंटरव्यू के लास्ट में आप सर से, जो पैनल मेंबर रहेंगे सर से, उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ बातें जो अपनी क्वेरीज हैं वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हर तरह के डॉट क्वेरीज जो हैं वो हमेशा आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस मॉक इंटरव्यू में जो है आपको टोटल 2 मॉक इंटरव्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें आप जो नेचुरल हैं और जिस जो वीडियोस कुछ प्रोवाइड किए गए हैं उस बात को ध्यान में रख करके वो आपको फर्स्ट इन मॉक इंटरव्यू में अपियर होना है। ठीक है, और जब उसके बाद उसमें आपको जो है आपके मॉक इंटरव्यू के बाद लगभग ये सेशन जो है टोटल मॉक इंटरव्यू का फुल सेशन जो है लगभग 30 से 40 मिनट का होगा, और इसमें जो है लगभग 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू सेशन चलेगा, और लास्ट का जो 10 मिनट 15 मिनट है वो उस वो जो रहेगा वो फीडबैक सेशन रहेगा। उस फीडबैक सेशन में आपके जो भी एक एक बिहेवियर जो नोटिस किया गया है उस बिहेवियर के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा आपका जो है कौन सा पॉइंट ठीक है, स्ट्रांग है, कौन से पॉइंट वीक हैं, किस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इंटरव्यू में आपको इसका बेनिफिट मिल सके, सारी बात आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपके जो कुछ क्वेरीज हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना है आपको, तो आप वहाँ पे सर से पूछ सकते हैं, सर उनका आंसर देंगे। ठीक है, आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे उसका। उसके बाद जो है अगर शेड्यूल की बात करें कि आपका मॉक इंटरव्यू कब शेड्यूल किया जाएगा, कब रहेगा, टाइम क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, तो वो आपसे फोन पे कॉल पे बात करके और आपसे जो है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ये शेड्यूल आपका रखा जाएगा, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इस मॉक इंटरव्यू के कारण नहीं हो। ठीक है, अब ये टोटल जो सेशन होगा ये 30 से 40 मिनट का ओवरऑल सेशन जो रहेगा उसका लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप जो है कुछ अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ जो फीडबैक है वो अगर भूल रहे हैं तो आप उसको देख करके उस पर ध्यान दीजिए और उसको आप ठीक कर पाए। ठीक है, तो ये सारा सेशन जो है रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो सेशन है जो मॉक इंटरव्यू है ये ऑनलाइन होगा, इसलिए सारा सेशन रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड होने के बाद जो है ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप जो है वीडियो को डाउनलोड करके वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है बात आती है कि इस ये जो मॉक इंटरव्यू है ये इसकी बात हो गई, अब है बात कि इसमें इनरोल कैसे करें। तो इनरोल करने के लिए 2 प्रोसेस है, दोनों में से कोई भी स्टेप जो है आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है, या तो आप इस QR कोड को, यहाँ पे जो ये QR कोड दिया हुआ है इसको आप स्कैन कीजिए, और जो फी है, फी हमने 3000 यहाँ पे रखा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टोटल 3 से 4 मेंबर्स रहेंगे और सारे मेंबर आपको कम से कम 30 से 40 मिनट आपको टाइम देंगे, यानी कि एक मॉक इंटरव्यू में लगभग आप समझे तो आपको 1 आवर के अंदर, 1 आवर के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कुछ सेटअप में भी टाइम लगता है, प्लस डिस्कनेक्ट और बहुत रिकॉर्डिंग सेंड करना है, बहुत तरह के अगर देखें तो लगभग 1 घंटे के आसपास एक मॉक इंटरव्यू में टाइम जाएगा, और टोटल 3 मेंबर्स हैं तो ये चार्जेस जो हैं कुछ ज़्यादा है नहीं, और टोटल 2 मॉक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि एक मॉक का आपका जो चार्जेस हो रहा है वो 1500 पड़ रहा है, तो 1500 कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से आप जो है 3000 रुपीज़ हमने मिनिमम प्राइस जो है वो हमने रखा है, ताकि आपके लिए भी ये ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े, आपके लिए भी ये अफोर्डेबल हो। ठीक है, और जब आप इस QR कोड को स्कैन करके 3000 रुपीज़ पे कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको पता है, और बाकी वीडियो के लास्ट में भी आपको बता दिया जाएगा, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपको सेंड करना है, और सेंड करने के बाद जो है आप अपना नेम और जो भी है डिटेल, मोबाइल नंबर वो आपको सेंड करना है, और इसके बाद आपको जो है गेट मास्टर का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे उसी नंबर से, जो नंबर आपने सेंड किया है उसी नंबर से आपको उस पर रजिस्टर करना है उस ऐप पे। ठीक है, अगर आप मोबाइल ऐप से रजिस्टर करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, तो मोबाइल ऐप से भी आप इनरोल कर सकते हैं। गेट मास्टर का मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से, या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे आप इंस्टॉल कीजिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जो प्रॉपर मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको करने के बाद आप जो है स्टोर सेक्शन पे विजिट कीजिए। स्टोर सेक्शन आपको जो मोबाइल का जो डैशबोर्ड है उसमें आपको बॉटम के मिडिल में आपको ये स्टोर सेक्शन मिलेगा। ठीक है, उस पर आप जब उस विजिट कीजिएगा तो आपके कोर्सेज जो है वहाँ पे आएंगे,
ठीक है, बीपीएससी सॉरी जेपीएससी एई मॉक इंटरव्यू करके, ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट जो है वहाँ पे आप कीजिए। वहाँ पे आपको पेमेंट जो है लगभग 3% के आसपास एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है, तो लगभग वहाँ पे कुछ चार्जेस हो जाते हैं एक्स्ट्रा, तो 300 के आसपास, वहाँ 3% के आसपास वहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो वो पेमेंट करने के बाद जो है आप ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे उस बैच में इनरोल हो जाएंगे, और हो सकता है कुछ टाइम भी लगे तो आप इनरोल हो जाएंगे उस बैच में, ठीक है। और ये सक्सेसफुल पेमेंट के बाद इधर आप ये प्रोसेस अटेम्प्ट करें या फिर ये प्रोसेस अटेम्प्ट करें, दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, तो उसका प्रोसेस के बाद जो है आपका पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपका जो इंटरव्यूज का जो शेड्यूल है वो भी आपको उस ग्रुप के, वो क्या होगा अगर जिस बैच में आपको ऐड किया जाएगा उसका ऑटोमेटिकली ग्रुप एक क्रिएट हो जाता है चैट बॉक्स में, और उस चैट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप ग्रुप में सबसे बात भी कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब है कुछ इनरोलमेंट का प्रोसीजर जिसको आप फॉलो करके इस मॉक इंटरव्यू में आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी अगर इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप गेट मास्टर का मोबाइल ऐप जो है उसके चैट बॉक्स में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और या फिर हम ईमेल कर सकते हैं support@getmaster.org पर, या फिर getmaster.org जो वेबसाइट है इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर कॉल और मैसेज आप टेक्स्ट इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें थी जो हमें आपके साथ आज शेयर करना था, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है या फिर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इससे रिलेटेड अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।